Hi everyone! I hope you all are doing well. Welcome back to our channel. So I hope you all have read the notification of RBI Grade B exam, and you must have gone through the syllabus of the RBI Grade B exam as well. Now, syllabus may a very important topic hai, that is finance current affairs. There are going to be questions from finance current affairs section, not just in phase one, but in phase two as well, and also in interview.

दिस इज द होम पेज ऑफ आर बी आई वेबसाइट राइट दिस इज द होम पेज अब लेट अ स्टॉक अबाउट स्टार्ट कहां से करना है दर्स्ट थिंग दैट यूफ्टू इज लुक एट द वॉच न्यू सेक्शन सबसे पहले लुक एट द वॉच न्यू सेक्शन आई वोइंग टू जूम इट फॉर यू नाउ सबसे पहले रिजर्व बैंक लॉन्चेस हंड्रेड डेज हंड्रेड पेज कैंपेन फॉर रिटर्न ऑफ अनिपॉजिट तो कैंपेन है

ज गो ऑन द लेफ्ट साइड पॉलिसी रेट्स गो थ्रू देते हैं फेज टू में इट इज डिफिकल्टिव डिफिकल्ट पॉलिसी रेट्स नहीं पूछेंगे सबसे पहले पॉलिसी रेट्स पढ़ने हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू कैनॉट स्किप दिस रिजर्व रेशो सी आर आर एस एल आर क्या है करंटली दिस यू विल कम टू नो यहां से अब ये अपडेटेड होती है ऑन टॉप यू सी द टाइम

ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आता है ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछा जाता है व्हाट व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई आरबीआई इज इन यू नो योर ओपिनियन आप एज अ कैंडिडेट आरबीआई को कैसे देखते हो क्या आरबीआई में आओगे तो क्या फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहोगे कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहोगे राइट सो गो थ्रू द फंक्शन ऑफ आरबीआई ईच एंड एवरी फंक्शन आरबीआई क्या कर रहा है इफ देर इज एनी प्रेस रिलीज रिलेटेड टू इट देर इज एनी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू इट ठीक है ओवरव्यू लेना है तो मॉनिटरी पॉलिसी

दो तीन चीजें समझ आ गई लेफ्ट साइड पे क्या है राइट साइड पे क्या है एंड वॉट इज न्यू लेट्स कम बैक टू द द होम होम पेज पेज नाउ दिस इज नेक्स्ट चीज आती है अबाउट सेक्शन में जाएंगे आर गोइंग टू लुक एट इन अबाउट सेक्शन सबसे पहले द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन राइट इसमें प्रियाम्बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने जितने भी मॉक इंटरव्यूज दिए हैं मुझसे सब में प्रियाम्बल पूछा है और सबने मुझे यही बोला कि और ब्रश अप करके लाओ राइट right? सो द बेस्ट थिंग इज प्रियम्बल को रटा मार सकते हो तो मार लो राइट देन एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल बोर्ड कहा है ऑफिस कहा है रीजनल ऑफिस कहा है दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू विल कम टू नो फ्रॉम हियर राइट हु इज द गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर कौन है सब यहां पे पता लग जाएगा अबाउटस देख लिया अबाउटस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वो टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन एंड आरबीआई फंक्शन एंड वर्किंग दिस इज अ पी थोड़ी ढाई सौ तीन सौ वर्ड्स की पीडीएफ है यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ गो थ्रू दिस पीडीएफ बिफोर फेज टू और बिफोर इंटरव्यू अगर अभी टाइम है तो अभी भी कर सकते हो दिस टॉक्स अबाउट द फंक्शन एंड वर्किंग्स ऑफ आरबीआई वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी अलॉन्ग विद वॉट यू ऑलरेडी नो बट वन थिंग ये

नी एडिशन तो ये जो भी अडिशन है वो यहां होगी एंड दे आर रेफरिंग यू टू अनदर मास्टर सर्कुलर जो कि एक बहुत ज्यादा लंबा मास्टर सर्कुलर होगा इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू दिस यू कैन बट आई सजेस्ट प्लीज डू नॉट गो थ्रू दिस ओके लेटस कम बैक टू अर नोटिफिकेशन सेक्शन ठीक है नोटिफिकेशन सेक्शन अगेन इम्पोर्टेंट है लेफ्ट साइड क्या था राइट right साइड क्या था फंक्शनिंग एंड वर्किंग एंड वॉच न्यू आता है नोटिफिकेशन सेक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है गो थ्रू दिस बट डू नॉट गो थ्रू दिस ब्लाइंडली बहुत सारी चीजें as right? जो, जो वो वो पढ़ना है जब आपको नॉलेज लेनी है आपको पढ़ना है आपको लगता है यू नो दिस इंटरेस्ट मी देन यू कैन डू दैट इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू दिस और रीड इट आफ्टर योर एग्जाम तो अभी लिमिटेड टाइम है ओनली स्टडी वॉट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम ठीक है। है। में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब अब इसमें notification section भी covered होता मनी मार्केट ऑपरेशन हुए हैं या सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई है ये होती रहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती रहती है मनी मार्केट ऑपरेशन होती रहती है जिसमें आरबीआई पार्टिसिपेट करता है या ऑप्शन कराता है राइट सो दिस इंटरवल्स सी मनी मार्केट ऑपरेशन ऑन मे सिक्सटीन मनी मार्केट ऑपरेशन ऑन मेवनटीन तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं जो प्रेस रिलीजेस में आए मॉनेटरी पेनल्टी आता है जस्ट नो कि आरबीआई ने पे क्यों मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कभी कभी पूछ लेता है दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन करंट अफेयर एट द सेम टाइम इन स्पॉटलाइट एज दोनों में ठीक है देन टीबल्स का जो ऑप्शन होता है ऑप्शन का क्या रिजल्ट आया है अगेन बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है जस्ट गो थ्रू द एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम अब पता कैसे लगेगा वॉट इज इंपॉर्टेंट गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फेज टू के क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं एवरीथिंग दैट इज आस्ट वो इंपॉर्टेंट है मतलब जो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन टू आस्ट यू की इस डेट पे क्या मनी मार्केट ऑपरेशन हुई थी राइट देन वी कम टू स्पीचेज एंड मीडिया इंटरेक्शन अब इसमें स्पीचेस आती है The governor's speech is very important. Deputy governor's speech is also important. So, go through the speeches, especially the speech of governor. This you have to do before your phase two and before interview. If you are lucky to get a call for the interview, go through the speeches section. You can quote them. You can talk about what the governor talked about in the speech, right? Extra points. So, speeches, which governor and deputy governor governor's speeches are, go through them. Then we have publications. Annual publications, बहुत, 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 बहुत important है सो so, स्टूटरी है जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है एंड देन वी हैव रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया वी हैव कवर ऑफ देल रिपोर्ट फी देन अदर्स में देर आर एनुअल रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट ऑन ऑम्बोसमेंट स्कीम वी हैव कवर्ड दिस बट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ऑल ऑफ देम आर इंपोर्टेंट बट अ फ्यू ऑफ देम आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो न्यूज पेपर में भी आती रहती है दीज यू कैन कवर थ्रू आरबीआई टू फोर सेवन से फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस ये भी हमने करी है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस वी हैव डन दिस ओम्बुजम स्कीम वाली रिपोर्ट हो गई राइट ये सो ये हमने कवर कर ली दीज आर एनुअल रिपोर्ट देन लेट्स टॉक अबाउट हाफ ईयरली हाफ ईयरली रिपोर्ट जीट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो भी आएगी राइट right? अब मॉनिटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आती है राइट right? वो यू नो कैप्चर करते हैं एंड दे गिव यू इन द मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट सो हाफ ईयरली मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज इंपोर्टेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हाफ ईयरलीज इंपोर्टेंट राइट Moving on, अब हम आते हैं यस yes, सो so, अभी तक यही इंपॉर्टेंट है इसके अलावा ज्यादा कुछ और डिटेल में नहीं जाना है लीगल फ्रेमवर्क एक्ट रेगुलेशन जो बेसिक है हम स्टैटिक में ऑलरेडी कवर कर लेते हैं राइट सो दिस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू गो थ्रू इन द वेबसाइट इसके अलावा अब नेक्स्ट आता है एफेक्यूज ये लास्ट है एफ FAQs एफ एक्स गो थ्रू द्यूज यू विल गेट टू नो

एक तो नॉलेज लेनी है सबसे पहले एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लियर देंड यू वॉन्ट टू टैकल ऑलेशन दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंस करेंट अफेयर ठीक है आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वेबसाइट से आते हैं all these are covered in RBI 247 sessions. आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे हैं राइट right? उसके अलावा भी इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू द वेबसाइट यू कैन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप नहीं मिस कर सकते वो मैंने आपको बता दिए हैं दैट है All the very best for your upcoming RBI Grade B exam. Thank you.